मॉर्निंग बच्चों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेणु वैद आज आपको बीएड सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी। आप सब जानते हैं बच्चों, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी बीएड सेकंड ईयर के छात्र हैं उनका अनिवार्य नवम पेपर जो है, नवा जो पेपर है वो है आपका अधिगम के लिए आकलन। ये आपका नवा पेपर है बच्चों, और ये जो पेपर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये पेपर आपका 80 नंबर का है। कितने नंबर का है बच्चों? 80 नंबर का आपका ये जो पेपर है वो आएगा, और इसमें जो यूनिट्स है इसके बारे में मैं इसमें आपको बता रही हूँ। बच्चों, आपका जो ये पेपर आएगा वो दो खंडों में विभाजित होगा। पहला जो खंड होगा उसमें 12 प्रश्न आएंगे। 12 प्रश्नों में से बच्चों आपको 7 प्रश्नों के जवाब देने हैं, और ये जो 7 प्रश्न आएंगे उन 7 प्रश्न जो प्रत्येक जो होगा वो 3 अंकों का होगा बच्चों। और आपका जो खंड ब है उसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 15 अंकों का होगा बच्चों, और आपको कुल मिलाकर के 10 प्रश्नों के जवाब देने हैं। आप चाहते हैं कि ये पेपर कितने आवर्स का होगा, तो ये अधिगम के लिए आकलन पेपर आपका 3 घंटे का होगा। आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको जो पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 8 की बात की थी वो आपके 35 नंबर के हैं, लेकिन अधिगम के लिए आकलन जो नवा पेपर है बच्चों वो आपके 80 नंबर का है। तो आपके लिए ये जो आपका नवा पेपर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप चाहते हैं कि इसके पाठ्यक्रम की जानकारी आपको हो तो आप मेरा वीडियो मेरे साथ सुनें और देखें कि क्या है इस सिलेबस में। अधिगम के लिए आकलन नवा पेपर है आपका, उसमें जो आपकी पहली इकाई है बच्चों वो देखिए, पहली इकाई में है आपका, पहली इकाई में है मूलभूत संकल्पना एवं दृष्टिकोण। इसमें आपके 4 सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसमें मूलभूत संकल्पना किसकी है? आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षण और परीक्षण, इनकी मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक आकलन, RTI के तहत एवं ग्रेडिंग, ये आपकी जो इकाई 1 है उसका पहला सब टॉपिक है बच्चों। उसके बाद बीएड सेकंड ईयर के छात्र जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सब यूनिट सेकंड है विभिन्न मापदंडों में आकलन के उद्देश्य। ए व्यवहारवादी, व्यवहार के रूप में अधिगम का सीमित पक्ष। ब है आपका निर्माणवाद के मापदंड। स है आपका सामाजिक सांस्कृतिक मापदंड। अधिगम का आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन में अंतर। शिक्षा शास्त्रीय निर्णयों में आकलन एक आधार के रूप में। ये आपकी फर्स्ट यूनिट का सेकंड सब टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका अधिगम के लिए आकलन का महत्व। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है आपका स्व आकलन एवं साथी समूह आकलन। तो इस प्रकार 4 आपके सब टॉपिक है। पहले में मूलभूत संकल्पनाएं हैं, दूसरे में विभिन्न मापदंडों में आकलन के उद्देश्य है, तीसरे में अधिगम के लिए आकलन का महत्व है, और चौथे में स्व आकलन एवं साथी समूह आकलन बच्चों दिया हुआ है। नेक्स्ट जो बच्चों आपके है इकाई सेकंड, इकाई सेकंड है आपका आकलन के प्रचलित पद्धतियों का विश्लेषण। इसमें आपके बच्चों 3 सब टॉपिक है। पहला जो सब टॉपिक है बच्चों वो है आकलन में प्रयुक्त अभिलेख, प्रोफाइल, अर्थ, प्रयुक्त पद तथा विस्तृत अधिगमकर्ता प्रोफाइल को विकसित एक एवं रखरखाव करने के मापदंड। ब है मूल्यांकन रूब्रिक, अर्थ, निर्माण एवं उपयोग। स है संचयी अभिलेख, अर्थ और महत्व।
वह आपकी जो सेकंड यूनिट है बच्चों, उसका सब टॉपिक है, उसमें आकलन परीक्षा सुधार के नैतिक सिद्धांत, इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली और खुली पुस्तक परीक्षा, ये आपकी इकाई सेकंड का सेकंड सब टॉपिक है। फिर नेक्स्ट है आपका बच्चों, नेक्स्ट इकाई सेकंड का थर्ड, आकलन में फीडबैक, ए अधिगम में फीडबैक की महत्ता, फीडबैक के प्रकार, रचनात्मक फीडबैक, मौखिक एवं लिखित, वैयक्तिक एवं सामूहिक, ये आपकी इकाई सेकंड हुई बच्चों। अब आता है बच्चों आपकी इकाई थर्ड, इकाई थर्ड है कक्षा कक्ष में आकलन एवं अभिलेख संधारण। इसमें पहला है बच्चों अधिगम का रचनावादी परिप्रेक्ष्य में स्पष्टीकरण, और आपका जो सेकंड टॉपिक है बच्चों वो है आकलन के सूचकों को सुनिश्चित करने की प्रवीणता। फिर है आपका आकलन हेतु कार्य, प्रायोजना, अभी हस्तांकन। नेक्स्ट है आपका अधिगमकर्ता के चिंतन को सक्रिय बनाने वाले कार्यों एवं प्रश्नों का निर्धारण। नेक्स्ट है बच्चों आपका वास्तविक प्रतिक्रिया के लिए क्षेत्र, अधिगम प्रक्रिया का अवलोकन स्वयं द्वारा, सहपाठी द्वारा और शिक्षक द्वारा, ये आपका इकाई थर्ड का पांचवा टॉपिक। फिर आता है बच्चों आपकी इकाई छः, इकाई छः छात्र पोर्टफोलियो का संगठन एवं नियोजन, पोर्टफोलियो आकलन के लिए रूब्रिक्स का विकास, आकलन हेतु अध्यापक डायरी एवं सामूहिक गतिविधियाँ, ये बच्चों आपकी इकाई थर्ड के सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका कौन सा है, 80 नंबर का है। अब है बच्चों इकाई फोर्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, और इकाई फोर्थ की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक का नाम है परीक्षा प्राप्तांक की व्याख्या। परीक्षा प्राप्तांक की ये जो व्याख्या है, इसमें बहुत ही अच्छे टॉपिक्स है बच्चों, समझने वाले टॉपिक्स है, और ये जो टॉपिक है आपका इकाई फोर्थ यूनिट फोर्थ, इसमें आपके माध्य, माध्यिका, बहुलक और ये जो भी न्यूमेरिकल्स है, गणित से रिलेटेड ये जो आपका चैप्टर है बच्चों इकाई फोर्थ, ये पूरे मार्क्स आपको दिलवा सकती है। तो इसके लिए नव भारती परिवार की तरफ से वीडियो जो आएंगे YouTube पर, जितने भी वीडियो आते हैं आप उनको देखेंगे तो अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। देखो बच्चों इकाई फोर्थ में क्या है, पहला केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, सेकंड है विचरणशीलता के मापक चतुर्थांक विचलन और प्रमाप विचलन, थर्ड है बच्चों प्रतिशतांक एवं प्रतिशतांक क्रम, नेक्स्ट है बच्चों सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की स्पीयरमैन कर्व अंतर्विधि, नेक्स्ट है बच्चों मानक प्राप्तांक जेड एवं टी केवल अवधारणा, ये बच्चों इकाई फोर्थ के पांच सब टॉपिक है, और इकाई फोर्थ का नाम है बच्चों परीक्षा प्राप्तांक की व्याख्या। नेक्स्ट है बच्चों आपने देखा ये है, इसमें चार इकाइयां मैंने आपको बताई बच्चों। अब जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इकाई है बच्चों, इसमें फिफ्थ इकाई आपके सामने है, फिफ्थ इकाइयों की इसमें हम बात करें, चौथी इकाई में और भी है आपके, वो देखिए बच्चों चौथी इकाई में क्या क्या है। आपके चौथी इकाई की बात करें तो आंकड़ों का रेखा चित्र निरूपण, स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है चौथी इकाई में, सामान्य संभाव्यता वक्र, गुण और उपयोग, नेक्स्ट आपका फोर्थ इकाई में है विषमता, ककुदता, अंतरण के प्रकार, व्याख्या, सह विचार विमर्श, समूह परिचर्चा, सहकारी अधिगम, छात्र प्रस्तुतिकरण, अभी हस्तांकन, विद्यालय यात्रा और सेमिनार। अब नेक्स्ट जो लास्ट इकाई है बच्चों वो है आपकी इकाई फिफ्थ
फीडबैक प्रतिपुष्टि। फीडबैक के कौन कौन से चैप्टर है बच्चों? पहला है आपका बच्चों आकलन के एक आवश्यक घटक के रूप में फीडबैक, अध्यापक फीडबैक के प्रकार लिखित तथा मौखिक। सेकंड टॉपिक है बच्चों आपका छात्रों को फीडबैक एवं अभिभावकों को फीडबैक, सहपाठी स्कोर, ग्रेड एवं गुणात्मक विवरण, अधिगमकर्ता का व्यापक पार्श्व चित्र का निर्माण एवं रखरखाव। नेक्स्ट जो बच्चा इसमें आपके इकाई 5 का जो टॉपिक है बच्चों वो है आकलन की चुनौतियाँ। इस प्रकार बच्चों ये जो आपका पाठ्यक्रम है पेपर 9 का, इसमें 5 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई जो बच्चों आपने देखी, पहली इकाई आपकी है मूलभूत संकल्पना एवं दृष्टिकोण, जो आपकी इकाई है। और आपकी उसकी बात करें हम दूसरी इकाई की, अगर हम बात करें तो दूसरी इकाई का नाम है बच्चों आकलन के प्रचलित पद्धतियों का विश्लेषण। थर्ड इकाई है आपकी कक्षा कक्ष में आकलन एवं अभिलेख संधारण। इकाई 4 है परीक्षा प्राप्तांक की व्याख्या। और इकाई 5 है बच्चों आपकी फीडबैक प्रतिपुष्टि। तो आज आपने कक्षा जो आपकी बीएड सेकंड ईयर के बच्चों का अनिवार्य नवम पत्र अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसके पाठ्यक्रम के बारे में सुना। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपको बाकी जो पेपर है उनके लिए आपको जानकारी देती रहूं, तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर दीजिए। और आपको नव भारती परिवार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बीएड सेकंड ईयर के जो चैप्टर्स है, ये जो इकाइयां मैंने आपको बताई, इनके लिए वीडियोस देगा, ताकि आप अच्छे से इनको सुनेंगे और इनसे रिलेटेड बुकें पढ़ेंगे। इनको जो भी आपको बोर्ड पर इसमें समझाया जा रहा है उसको आप लिखेंगे, तो बच्चों बीएड सेकंड ईयर में आप बहुत अच्छे प्राप्तांक कर सकेंगे और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो आप चाहते हैं मैं बीएड सेकंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताती रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन सब की इकाई 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इन सब की डिटेल आप आगे के वीडियोस में बच्चों पढ़ते रहोगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं, आपके लिए पाठ्यक्रम बताऊं और आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, दूसरा आपने पढ़ा जेंडर समाज वाला, नवा जो आपका पेपर है अधिगम के लिए आकलन, इन सब की डिटेल आपको मिलती रहेगी बच्चों। और ये जो पेपर है आपका 80 नंबर का है, 2 खंडों में आएगा, 3 घंटे का बच्चों आपका पेपर होगा। और 2 खंडों में से पहला जो खंड होगा उसमें 12 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, आपको 7 प्रश्न करने हैं बच्चों। और जो दूसरा खंड आएगा उसमें आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। और जो प्रत्येक प्रश्न आएगा बच्चों वो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, ये जो 3 प्रश्न है वो 15 अंकों के होंगे। तो आप चाहते हैं अधिगम के लिए आकलन की पुस्तक आप सबको पढ़ाई जाए, तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नव भारती परिवार आपके लिए वीडियो बनाता रहो और शिक्षा के क्षेत्र में आपको ज्ञान उपलब्ध करवाता रहे। बच्चों धन्यवाद।